नमस्कार। खबर बानसूर से। बानसूर में दिन दहाड़े कुछ युवकों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी, जिसमें युवक को दो गोलियां लग गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। बदमाश गोली चलाने के पश्चात वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि सुनील उर्फ टिल्लू गांव के बस स्टैंड पर अपनी दुकान पर खड़ा हुआ था, तभी बाइक पर सवार चार युवक आए और दूसरे युवक ने सुनील पर ताबड़तोड़ गोलियां मारनी शुरू कर दी। मौके से और उसी के साथ गोलियां मारने के बाद चारों ही बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घायल हुए बानसूर के उपजिला अस्पताल में उनका इलाज करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि युवक को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल युवक सुनील ने बताया कि रविवार को युवक उसके साथ आरोपियों ने मारपीट की और उसको लेकर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसी की रंजिश को लेकर आज उन्हीं युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पेट में दो गोलियां लग गई हैं। मैं बाला ब्रांच से था, मेरे को हिसाब कर रहा था, बैठा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद मैं करता रहा हिसाब, वहाँ पे कृष्ण पहलवान उनके दिया रतनपुरा था, वो दो को तो मैं जानता हूँ, दो जने उनके साथ और थे। वो आते ही मेरे ऊपर गोलियाँ चलाने लगे। मैं दुकान के अंदर था, फिर अंदर से हम तीन चार जने अंदर थे, दुकान में ग्राहक भी थे चलने वाले, बस उन्होंने थोड़ा हल्ला किया।